नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारत अब सांप और सपेरों का देश नहीं रहा। अब भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में अमेरिका जैसे राष्ट्र रेड कार्पेट से स्वागत करते हैं, ये कहना था केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान सक्षम हो रहा है, तो वही मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही है। इसके साथ ही नगरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। आज भारत में 3 तलाक से लेकर कश्मीर में धारा 370 का मामला हो या फिर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, सभी काम कुशलता और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। धारा 370 जैसे महत्वपूर्ण काम पीएम मोदी ने कर दिखाया, क्योंकि जिसके बारे में कभी नहीं सोचा था वो हो गया है। इसके साथ ही डीबीटी एक ऐसा काम है जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। नेता के बस की नहीं होती है 8 साल काजल की कोठरी। कोई फकीर दुमा, कोई ओवर टाइप का आदमी, कोई परमहंस स्वभाव का व्यक्ति ही बिना करप्शन के 8 साल काट सकता है। इस प्रकार तमाम योजनाएं हैं। आप सबसे पहला काम जनधन योजना में 45 करोड़ का खाता करवाया, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन डायरेक्ट उसमें आई, किसान सम्मान निधि से पूरा देश लाभान्वित हुआ है, आयुष्मान कार्ड से पूरा देश के गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं, उज्ज्वला योजना में पूरे देश की गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिला है, इसी प्रकार से सौभाग्य योजना में सभी अंतिम मजले को बिजली देने का काम किया है। ई कार्ड के द्वारा श्रमिकों को कम से कम 12 योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया है। इसी प्रकार से बैकवर्ड कमीशन को बना के उसको संवैधानिक दर्जा दे करके ओबीसी को अप्लाइज किया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। महिलाओं से संबंधित घटनाओं पर अजीब विवादित बयान दिया, कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं। हर सरकार में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले गिरोह काम करते हैं, जिनमें आम लोग, राजनेता और कई अधिकारी मिलकर चलाते हैं। महिला अपराध हो या किसी तरह का अपराध हो या किसी तरह के चोरी हो या डकैती हो या लूटपाट हो, ये सब हर सरकार में चलता चला आ रहा है। और डेफिनेटली सुरक्षित कम से कम महिलाएं हमारी फील कर रही हैं, और आप देखेंगे कि रात बिरात भी महिलाएं आजकल बाहर निकलती हैं और बेधड़क निकलती हैं। रात बिरात बच्चे बेटा बहू घूमते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि जगह जगह पर कॉन्स्टेबल्स भी होते हैं और दिन में भी अपने रोमियो स्क्वाड भी घूमता रहता है। और इस तरीके से काफ़ी सर सुधार हुआ है, क्योंकि लड़कियाँ अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अमेठी में न्यायालय के आदेश पर संग्रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या में फरार चल रहे नामजद हत्या आरोपी के खिलाफ संग्रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष संग्रामपुर परशुराम ओझा ने पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों के घर पहुंचकर घर में मौजूदा सामान की जब्त कर हत्या आरोपी के घर में बॉल रिवॉल्व पर बुलडोजर चलवाया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के राजापुरा कोठा गाँव का पूरा मामला। 2 मार्च 2022 ये राजापुर कुहारा ग्राम के रहने वाले थाना संग्राम में था। इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 45/22, उसमें 147, 148, 149, 323, 504, 506, 302 और 307 IPC ये IPC की मुकदमा पंजीकृत हुए। इस पंजीकृत होने के बाद 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई थी और 3 व्यक्ति फरार चल रहे थे। काफ़ी दबिश दिया गया लेकिन इनकी जानकारी नहीं हो पाई। इस आधार पे माननीय न्यायालय के आदेश, कुर्की का आदेश लिया गया। बदायूं पुलिस उत्पीड़न से क्षुब्ध युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, ऐसे आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। 9 मई को परिवार के लोगों से विवाद हुआ था, तहरीर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 13 मई को विपक्ष की तहरीर पर घर से युवती और उसकी मां को नहाते समय मारपीट कर गिरफ्तार कर शांति भंग की कार्रवाई की गई। पिता ने पुलिस उत्पीड़न से अवसाद में आकर युवती द्वारा आत्महत्या करने की बात कही है। मिरावर थाना क्षेत्र के गांव चौदौरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र बिनावर के चंदौरा गांव में एक अविवाहित युवती द्वारा घर पर ही फंदे से लटककर आत्महत्या की गई है। शव को पंचायतनामा भरने के पश्चात मौचरी पर रख दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या किस वजह से की गई है इसके लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जाँच सौंपी गई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला बस्ती जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से पूरी तरह फ्लॉप होता नजर आ रहा है। गौशाला में देखरेख और चारे के अभाव में बेजुबान जानवर दम तोड़ रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी मृतक जानवरों को दफन करने के बजाय उधर उधर कूड़े के ढेर में लावारिस की तरह फेंक देते हैं, जिससे संक्रामक बीमारी जो है फैलने का खतरा बना रहता है।
मुनेश्वर पूजा क्षेत्र में शिकारपुर रोड पर स्थित अपंजीकृत चल रहे ज्वाला भगवती नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करके सील कर दिया। नगर एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सील किया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कोई फर्जी डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो वहाँ पे एक नर्सिंग होम चला रहे हैं। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर ललित हैं जो हमारे MOIC हैं धरपा के, वो और तहसीलदार को वहाँ पे भेजा था चेक करने के लिए कि ऐसा क्या प्रकरण है पूरा। तो शिकारपुर रोड पर एक है ज्वाला भगवती नर्सिंग होम, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके देखा, चेक किया, कागज़ मांगे। जब वहाँ पे जो उसके संचालक थे उनसे जब डॉक्टर साहब ने कागज़ मांगे कि उनकी डिग्री के और उनके रजिस्ट्रेशन के, तो उनके पास कोई कागज़ उपलब्ध नहीं थे। और बाकी भी जब चीज़ें सारी चेक की गई तो उनके पास किसी भी चीज़ का कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था। तो इसी के क्रम में तत्काल प्रभाव से उसको सील कर दिया गया है। बुलंदशहर सिकंदराबाद के मोहल्ला रामपुरा में पशुपालकों द्वारा मोहल्ले की गलियों और सड़कों पर जमकर बहते गोबर से आमजन का जीना मुहाल हो गया है। नगर कस्बों के आबादी वाले क्षेत्रों में पशुपालन करना गैरकानूनी है। सरकारी फरमान के चलते आबादी वाले क्षेत्रों में कोई पशुपालन नहीं होना चाहिए। नगर के गली मोहल्ले में पशुपालक गोबर बहा बहाकर नालियों को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। नाली जाम होने के कारण गोबर के सड़क पर आ जाने से आमजन के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुलंदशहर अगौता क्षेत्र में विकासखंड के गांव सूजापुरा धमेड़ा में तालाब का गंदा पानी सड़कों पर भरा होने से ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। अनेकों बार समस्या की शिकायत को लेकर DM और नगर SDM को शिकायत दे चुके हैं, समस्या का अभी तक लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पुलिस ने तीनों मासूम बच्चे सकुशल ढूंढ लिए हैं। टियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरी थुन्नी गांव से लापता हुए बच्चे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के गांव पैदल चलकर पहुंचे थे। थाना अध्यक्ष करुणाकर पांडे को मौसी के घर सोते मिले बच्चे। मोबाइल में नेटवर्क न होने के कारण बच्चों के घर पर मौसी सूचना नहीं दे पाई थी। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बच्चों के सकुशल बरामद होने से पुष्टि की है। पुलिस ने संतोष की सांस ली है। हरदोई में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, युवक की जिसमें दबकर मौत हो गई। कटरा बिल्हौर हाईवे पर ट्रैक्टर चढ़ाते समय यह हादसा हुआ। योगी सरकार 2.0 माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर पूरी तरह से फॉर्म में है। पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। राज्य में गैंगस्टर शराब माफिया अपराधियों पर लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल है। जालौन में भी अपराधियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शातिर अपराधी और गैंगस्टर रामकृष्ण राजपूत की 2,25,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया है। देखिए, ये कोटरा थाना की पुलिस के द्वारा जिसमें मुकदमा गैंगस्टर का मुकदमा रामकरण राजपूत नामक व्यक्ति पे पंजीकृत कराया गया था। तो इनका ये सटोरियों का गैंग था। इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। 14(1) की धारा के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में इनकी पूरी संपत्ति का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें 4 ट्रक हैं, एक इनका 4-व्हीलर है, एक स्कूटी है, एक मकान है, 36 लाख के करीब में इनके अकाउंट में रुपये हैं। इन सारी चीज़ों का जब्तीकरण करके नायब तहसीलदार को रिसीवर बनाया गया है और इस तरह से शासन के मंशा के अनुसार जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। देखिए, आपराधिक इतिहास के आधार पर ही इनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की 14(1) की धारा के अंतर्गत में ही इनके संपत्ति के जब्तीकरण की पूरी कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।